हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका अल्ट्राटॉन की गेमिंग चैनल पर। गाइस, आज का जो स्क्रीम्स है वो इरेंगल मैप पे है, सबका पसंदीदा मिरामार मैप, सॉरी इरेंगल मैप, बावला हो चुका हूँ मैं यार। तो थोड़ा सा हो गया है, आज 6 PM से थोड़ा सा समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल देख पा रहे हैं 81 बंदे खेल रहे हैं 22 टीम्स के साथ, तो बहुत सारे टीम्स नहीं आए हैं। तो छोड़ो उनकी बातें, फ़िलहाल देखते हैं ड्रॉप लोकेशन क्या रहेगा प्लेट पाथ के हिसाब से। ड्रॉप जो प्लेट पाथ है उसकी तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा। यहाँ पे देखिए, जो प्लेन पाथ बना है वो जॉर्जू सिटी से होता हुआ मिलिट्री बेस पे जाके ख़त्म होता है। तो यहाँ पे पोचिंगी की तरफ हम लोग देखेंगे कि 2-3 स्क्वाड जाएंगे और मिलिट्री बेस के साइड 2-3 स्क्वाड। नोवो में कोई नहीं जाएगा आई थिंक, और मैं होता तो नोवो जाता यहाँ पे, बट देखते हैं यहाँ पे ये नोवो जाएगा भाई। यहाँ पे देखिए, ये जो टीम है ना, टीम नंबर 21, ये मुझे लगता है कि नोवो जाएगा, क्योंकि इस साइड जिस साइड वो उतरा है उस साइड रास्ते से गाड़ी ये उठाएगा और यहाँ पे ये लोग जाएंगे। भाई ये क्या हो गया, घुस क्यों गया बे? अबे माँ कसम, ये क्या ग्लिच हो गया। देख, 7 जीप की टीम यहाँ पे एक बंदे को लुड़का दिए हैं, बट देखते हैं टीम नंबर 1 कहाँ जा रहा है। टीम नंबर 1 जो जा रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं पीमॉक्स के साइड यहाँ पे, और एक बंदा टीम नंबर 20 की एक लौंडा यहाँ पे लुढ़क चुका है, बट इसको क्या होगा, क्या हो सकता है यहाँ पे देखेंगे। टीम नंबर 10 की सॉरी टीम नंबर 18 के लौंडे इसके साथ मजाक कर रहे हैं, और यहाँ पर टीम नंबर 20 के लौंडे जो है देख पा रहे हैं 5 हेक्टिक के लौंडे यहाँ पे फ्लिक्स के टीम के हाथों में गांड मार लिया गया है उनकी। फिलहाल यहाँ पे देखिए, सब जगह देखिए एक साथ दोनों जगह फाइट चल रहा है, मैं क्या करेंगे। टीम नंबर 14 यहाँ पे देख पा रहे हैं अंबर की टीम जो है वो यहाँ पे लूट पुट कर रहे हैं, बट उनके साइड में टीम नंबर 3 और टीम नंबर 22 के लौंडे हैं। टीम नंबर 3 के जो लौंडे हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं टीम 69 के लौंडे, महाराष्ट्र की टीम के लौंडे। इन लोगों की टीम से साइड से कभी भी अच्छा गेम प्ले मैंने नहीं देख पाया, उतरते ही नॉक उतरते ही फिनिश हमेशा देख पाते हैं। BSF यहाँ पे 22 BSF उनके पीछे यहाँ पे पारस है, बट क्या पारस यहाँ पे अपने बंदे को बचा पाएंगे देखना है। हाथ में एक गोली तो है, बट आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो सकता है। बट यहाँ पे जो है क्या मार दिया भाई, माँ कसम घुस के ही सब पेला ना भाई, माँ कसम। कौन सा बंदा था वो, प्रेसिडेंट था क्या? हाँ भे माँ कसम घुस के पेल दिया माँ का, माँ की आँख। टीम नंबर 22 यहाँ पे 4 लौंडे के साथ अलाइव, और सामने टीम नंबर 14 है अंबर गुप्ता की टीम है 4 रिवल्स, बट यहाँ पे देखना है टीम नंबर जो है 14 क्या यहाँ पे क्या रहेगा। तो तुम लोगों का जो सिचुएशन है ना, प्लेन पाथ के हिसाब से हमेशा ड्रॉप लोकेशन चूज करना गलत करते हो। इतने दिनों से खेल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे बंदे कहाँ पे उतर रहा है, कहाँ पे क्या कर रहा है। जहाँ पे उतर रहे हैं वहाँ पे नहीं उतरेंगे, थोड़ा सा दूसरे साइड जाएंगे। इतने सारी जगह हैं देखिए, स्टॉल बार कम से की इस साइड जो है यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। वेनम यहाँ पे किसी को स्प्रे दे रहे हैं, जब तक ये रेंडरिंग ख़त्म नहीं होता मुझे समझ में नहीं आएगा। टीम नंबर 5 के साथ यहाँ पे फाइट हुआ है इनका। टीम नंबर 5 1 लास्ट टाइम के टीम यहाँ पे थे, और यहाँ पे देखते हैं
लेजेंड क्या करने वाला है, टीम नंबर 5 के रियल लेजेंड यहाँ पे, वहाँ कसम बहुत बढ़िया। और बहुत ही एकदम लाजवाब गेम प्ले टीम नंबर 25 की तरफ से। यहाँ पे टीम नंबर 5 के सारे बंदे चले गए हैं लॉबी पर फिलहाल। टीम नंबर 5 के लौंडे कितने, एक भी किल नहीं करे हैं, माँ कसम ये क्या है तुम लोगों का भाई। टीम वन लास्ट टाइम, तुम लोगों की तरफ से तो ऐसे गेम प्ले नहीं दिखाना चाहिए था। टीम नंबर 25 की गांड मरना चाहिए था तुम लोगों को, कि तुम लोग क्या गुंडा बने गोरे तुम लोग हैं। यहाँ पे फिलहाल देख पा रहे हैं जो सिचुएशन है, टीम नंबर 13 के लौंडे यहाँ पे चले गए हैं नोवो पर, बट यहाँ पे टीम नंबर, ये देखिए थोड़ा सा देखिए पिजन के साइड देखिए, यहाँ पे कोई भी टीम नहीं है, एक खेला टीएक्सआर की टीम गए हैं। ठीक है, खेलो मत तुम लोग, जो बंदे ड्रॉप लोकेशन चूज करने में सही नहीं हो वो खेलो ही मत, बेकार लौंडे हो तुम लोग। मतलब उतरते ही फाइट, उतरते ही लौड़ा लसन क्या है तुम लोगों का पे, मतलब कैसे खेलोगे बड़े बड़े स्क्रीम्स, बड़े बड़े टूर्नामेंट कैसे खेलोगे ऐसे। ये एक T3 टूर्नामेंट, प्रैक्टिस टूर्नामेंट में ऐसे हालत रहा तुम लोगों का। तो टीम नंबर 2 के लौंडे, यहाँ पे एक बंदा तो फिनिश हो चुका है टीम नंबर 2, ये DX जेनरेशन 1 महाराष्ट्र के टीम के लौंडे, एक लौंडा मर गया है ठीक है, बट बाकी पूरी टीम जा रहा है। मतलब तुम लोगों को कोई यहाँ पे कुछ गांड में उंगली कर रहा है, कुछ कर रहा है, लास्ट में फाइट लेने में क्या दिक्कत होता है। लास्ट जोन का एक्सपीरियंस लो ना, कब से बोल रहा हूँ लास्ट जोन का एक्सपीरियंस लो। जो टीम्स मर जा रहे हो इतना उतरते ही, टीम नंबर 69, ये हमेशा देख रहा हूँ इन लोगों को, हमेशा हर रोज़ जब भी खेलता है उतरते ही मरेगा ये, क्योंकि ड्रॉप लोकेशन चूज करना गलत कर रहा हो। गांड फाइट ले रहे हो, अर्ली फाइट ले रहे हो, क्यों थोड़ा सा सर्वाइव करो ना, पहले लूटो, ये नॉर्मल गेम नहीं है, पहले लूटो उसके बाद फाइट लेना। कि लास्ट जोन में सर्वाइव करना जो मुश्किल है, वो मुश्किल जो सिचुएशन रहता है उसको टैकल करके जो खेलना है वो जब सीख जाओगे ना, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। टीम नंबर यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं टीम नंबर 14 की लौंडे को, यहाँ पे स्नाइपर टावर के अंदर घुस चुका है। अच्छा इस साइड चला गया। टीम नंबर 22 के लौंडे यहाँ पे उन सारे की टीम को ढूंढते हुए इस साइड रोटेट कर चुके हैं, बट यहाँ पे टीम नंबर 14 के जो लौंडे हैं ये इस साइड चले गए हैं। यहाँ पे टीम स्पार्टन 300 एक बंदे को यहाँ पर डाउन किए हैं, देखते हैं वहाँ पे जाएंगे। टीम नंबर 9 स्लॉट 9 पे हैं, ओके चलो लेट्स गो, किसके साथ फाइट हुए हैं, टीम नंबर 15 के साथ। यहाँ पे टीम नंबर 15 के जो लौंडे हैं गॉडल स्पोर्ट्स के टीम के लौंडे, एक बंदा दूसरे बंदे से कितना दूर है देखिए, एक बार ज़रा ध्यान दीजिए ये क्यों करना है। ये अंबर गुप्ता का जो टीम है ना टीम नंबर 14 में, वो मुझसे आज से पूछा था, भाई मैं आज इतने दिनों से खेल रहा हूँ, एक दो दिन दिन मेरा गेम अच्छा गया है, बाकी सारे दिन मेरा एकदम बुरा गया है। आप मेरा गेम प्ले देखते हो, हमारे टीम्स का गेम प्ले देखते हो, हम आप हमको सजेस्ट कीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। टीम नंबर 9 के लौंडे को यहाँ पे देखिए डाउन कर दिया है टीम नंबर 15 की लौंडे, मैंने उसको कुछ सजेशन दिए हैं, अब बाकी आगे भी देंगे। ऐसे आपको किसी टीम्स को सजेशन चाहिए तो मेरे को सब पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों का गेम प्ले देखता हूँ, तो मैं आप लोगों को जो चीज़ें हमेशा बोलता हूँ कि ड्रॉप लोकेशन चूज करना गलत करते हो, ड्रॉप लोकेशन चूज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्लेन पाथ के हिसाब से बंदे कहाँ पे उतरना चाहिए ये देखो, जहाँ पे उतर रहे पोचिंकी में इतने सारे टीम, क्यों पोचिंकी में एक टीम जाना चाहिए, एक टीम इतने सारे सारे छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं,
जहाँ पे जो कंपाउंड उसका नाम भी नहीं है उसी साइड लूटो, घटका के साइड। एक भी टीम नहीं गई है, क्यों? घटका जाने में कोई दिक्कत है? घटका के आसपास अगर लूटोगे ना तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या हो गया? मुझे लगता है कुछ हुआ है पे। ये क्या हो गया? माँ कसम, कुछ तो हुआ था पे। माँ कसम, जैसे कनेक्ट कर दी यहाँ पे मोबाइल डाटा से आ गया। फिलहाल टीम नंबर 15 की गांड मारते हुए टीम नंबर 9 को दिखाई दे रहा है, बट वो फाइट कवर नहीं कर पाए। मग क्या हो गया था भाई? क्या समझ नहीं आया। ये देखिए टीम नंबर 13 के लौंडे, यहाँ पे एक बंदा डाउन है, उनको रिवाइव दिया जा रहा है। उन टीम नंबर 23 के जो लौंडे हैं ये देख पा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे वाटर सिटी के साइड, बट दूसरा टीम को देखेंगे जहाँ पे देखिए एक साथ। अभी हमको हमारा भी दिक्कत है, इतने सारे टीम्स इतने हॉट ड्रॉप पे चले गए हैं, 4-5 टीम चले गए हैं यहाँ पे पोचिंग की उस साइड, क्या होता है जॉर्जो सिटी, वहाँ पे चले गए हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं एक साथ कितने फाइट कवर करेंगे, एक साथ सब फाइट चल रहा है, सबका फाइट चल रहा है एक साथ, मैं कितने बंदे को फाइट कवर करूँगा? तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना क्योंकि मेरा फाइट भी कवर करो, मेरा फाइट भी देखो, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलने का। टेम्पर टीम नंबर 14 के लौंडे टीम नंबर 18 को स्पॉट कर चुके हैं, बट यहाँ पे टीम नंबर 22 को क्या पता है कि यहाँ पे टीम नंबर 18 ऊपर आ चुके हैं। टीम फ्लिक्स यूपी के टीम के लौंडे, मुझे तो लगता है यहाँ पे टीम नंबर 22 को भी मालूम हो चुका है टीम नंबर 14 यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ पे टीम नंबर जो है 18 के लौंडे यहाँ पे लैम्बोर्गिनी से आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ब्लैक कलर का लैम्बोर्गिनी लेके आ चुके हैं टीम नंबर 18 के लौंडे। तो यहाँ पे देखना है टीम नंबर जो 14 के लौंडे हैं क्या यहाँ पे इन बंदों को संभाल पाएंगे, यूपी के लौंडे को, टीम नंबर 14 के लौंडे। छत्तीसगढ़ का टीम का लौंडा अमर गुप्ता के जो टीम का लौंडा है वो देखेंगे फाइट लेते हुए टीम नंबर 18 के साथ, यूपी के टीम के साथ, और छत्तीसगढ़ और यूपी के टीम यहाँ पे आपस पे भिड़ते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल फ्लेक्स का टीम वेयर हाउस के अंदर है, टीम नंबर 18 यूपी के टीम, और स्क्वाड हाउस के साइड टीम नंबर 14 छत्तीसगढ़ का टीम है। तो यहाँ पे ASW कालीन गेमिंग OIT को यहाँ पे डाउन किए हैं गॉडल स्पोर्ट्स का, तो जाएंगे जहाँ पे फाइट हो रहा है एक बार देखने दीजिए। एक बार टीम नंबर 1 यहाँ पे कहाँ पे फाइट ले रहे हैं एक बार देख लो। विलेन यहाँ पे डाउन है, डॉक्टर यहाँ पे डाउन है, बाकी माँ का समय क्या हो गया। टीम नंबर 16 की लौंडे भी यहाँ पे पीछे आ चुके हैं, ये कौन सा टीम है? टीम नंबर 16 TXR की टीम। ये अबे ये लोग क्या मतलब, टीम नंबर 18 के साथ यहाँ पे फाइट लेते हुए ओडिशा की टीम के लौंडे को दिखाई दे रहा है। TXR जॉनी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, बट देखना है क्या यहाँ पे BSF। अरे माँ कसम, टीम नंबर 22 के लौंडे उस साइड से यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे कॉर्डल आयुष उनको पड़ रहा है टपाटप। TXR किंग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्या यहाँ पे TXR किंग अपने दोस्त को बचा पाएंगे? पिकाचू यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बट TXR किंग जो है और पिकाचू हैं जो हैं फंस चुके हैं जी, जहाँ पे जो पूछ किए थे वेयर हाउस में
वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्योंकि टीम नंबर 18 के साथ फाइट करने तो आए थे, टीम नंबर 22 यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं। टीम नंबर 18 के लॉन्डे यहाँ पे बंदों से घूम घूम के भाग रहे हैं भाई, पिकाचो के साथ यहाँ पे फाइट हुआ है। और यहाँ पे टीम नंबर 16 की बैंड बजाते हुए दिखाई दे रहा है, टीम नंबर बैंड बजाते हुए, और टीम नंबर 22 के लौंडे यहाँ पे फिर वो लोग पहुँच चुके हैं। माँ कसम, ये जो है टीम नंबर 23 है वो है टीम जॉट, बंगाल की टीम के लौंडे। हाँ कसम, यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए बंगाल के दो टीम को दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे कि बंगाल के दो टीम थर्ड पार्टी करते हुए कैसे दिखाई दे रहा है, ये टीम नंबर 23 टीम चौट बंगाल के टीम के हैं, और टीम नंबर 22 को जो दिखाई दे रहा है अब लोगों को दिखाते हैं थर्ड पार्टी करते हुए फोर वेड ऑफिशियल्स, ये बंगाल की टीम है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा लो एच पी के साथ डॉमी ट्रक के पीछे आके बैठ गए हैं, ट्रक नहीं इसको क्या बोल सकते हैं, महिंद्रा की कुछ गाड़ी वाड़ी होगा, बट ये इसका तो कोई ब्रांड वैंड नहीं लिखा है वहाँ कसम। टीम नंबर 23 का जो लौंडा है यहाँ पे देखिए टीम नंबर 18 की गांड मारते हुए दिखाई दे रहा है, बट टीम नंबर 18 भी छोड़ने वाला है नहीं, दो लौंडे भी उनकी गांड मारने के लिए काफ़ी हैं, बट यहाँ पे देखना है। टीम ASW किसके साथ फाइट जरूर ले ले वहाँ पे देखना है, एक ग्रेनेड आया था बट टीम नंबर 18 के साइड, बट वो देखना है क्या होता है। यहाँ पे टीम नंबर 22 के लौंडे जो हैं यहाँ पे पहुँच गए हैं टीम नंबर 18 के बिल्कुल पीछे, बट टीम नंबर 18 के लौंडे यहाँ पे संभाल पाएंगे कि नहीं, यहाँ पे ये देखना है। एक्स मैक्स और एक बंदे को डाउन किए हैं, किल फीड में देख पा रहे हैं, इनके साथ किसका फाइट हो गया, टीम नंबर 13 का। ओके, टीम नंबर 13 का जो फाइट हुआ है ये टीम टीम डिप्लोमेसी है यूपी का। बट ये टीम डिप्लोमेसी पीछे की तरफ भाग रहे हैं, बट मुझे देखना है कि ये लोग लास्ट तक बचाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे लगता है कि एक्स मैक्स की टीम सब देख लिए हैं कि ये टीम लैम्बोर्गिनी से आए, तो ये लोग ऐसे ठान लेके बैठ गए इनको गांड मारेंगे। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं पोचिंग की साइड जो एकदम भसड़ मच के रखा है, यहाँ पे टीम नंबर 23 निकलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे और जोन की तरफ। यहाँ पे टीम नंबर 18 की लौंडे एक बंदा डाउन है दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 14 के लौंडे थोड़ा सा पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे टीम नंबर 18 के ऊपर, और अंबर गुप्ता ओपन से जा रहे थे माँ कसम, टीम नंबर 14 के लौंडे ओपन से आ रहे हैं यार, एक बंदे को डाउन तो करो उसके बाद एक साथ घुसो, एक लौंडा एक एक करके घुस रहे हो, अरे एक एक करके घुसने का फायदा है क्या फ़ायदा है भाई। टीम नंबर 22 यहाँ पे आके गांड मार दिए हैं पीछे से, बट उसी टाइम यहाँ पे टीम नंबर 14 की क्या होगा क्या सिचुएशन होगा देखेंगे। सैम जो है फोर फिट सैम वो देख पा रहे हैं एक लौंडे, ओके बट पीछे चले गए हैं, फोर पिट साम जहाँ पे पीछे की तरफ घूम गए हैं। मुझे लगता है टीम नंबर 14 को यहाँ पे जोन की तरफ ध्यान देते हुए निकल जाना सही रहेगा, क्योंकि इन लोगों को जोन को वैरायटी देना चाहिए। टीम नंबर 14 की एक लौंडे डाउन है, टीम नंबर 22 की एक लौंडे डाउन है, ओके जो सिचुएशन यहाँ पे जो है बन चुका है
दोनों टीम की लौंडे, यहाँ पे टीम नंबर 14 की लौंडे मांग सम फिर से डाउन हो गया पे। ऐसा ग्रेनेड फेंका नहीं, दूसरा ग्रेनेड मांग कसम डॉमी की नीचे से आया था पहला ग्रेनेड, बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम बी एस एफ ताबड़तोड़ मारा भाई ग्रेनेड पे ग्रेनेड। दूसरा वाह क्या ग्रेनेड मारा टीम नंबर 22। टीम नंबर 14 की एकदम मोनोटॉप और ग्रेनेड से बरसात कर दिया। चलो टीम नंबर 25 की तरफ ध्यान देगा, टीम नंबर 25 की एक लौंडा रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है जो रावण है, और रावण को तो घुटनों पे आ गया भाई। टीम नंबर 1 की एक लौंडा खेला अकेले यहाँ पे अलाइव है और टीम नंबर 25 के साथ फाइट लेते हुए दिखाई दे रहा है। टीम नंबर 1 की लौंडा जिस साइड है उस साइड में यहाँ पे टीम नंबर 13 के लौंडे दरवाज़ा तोड़ दिए हैं। यहाँ पर टीम नंबर रावण जो है AWS हैरी को फिनिश करते हुए दिखाई दे रहा है। टीम नंबर 22 और टीम नंबर 25 एक साथ फाइट लेते हुए दिखाई देंगे। टीम नंबर 23 के जो लौंडे हैं वो फिलहाल 6 किल कर चुके हैं देख पा रहे हैं, एक किल मैंने देखा था इनका एरेंगल पे, और यहाँ पे पुश करते हुए दिखाई दे रहा है वेयर हाउस के साइड। टीम नंबर 23 का एक लौंडा यहाँ पे डाउन और दूसरा लौंडा यहाँ पे, अबे घुस रे घुस घुस जा घुस जा, किसका वेट कर रहा था मुझे नहीं मालूम। टीम नंबर 21 यहाँ पे देखिए, टीम नंबर 21 जो है वो है फोर हंटर की टीम, अभी तक एक भी फाइट नहीं लिए हैं, कोई किल नहीं है इनका, अभी फ़िलहाल देखना है लास्ट में क्या करते हैं। ऐसे ही किसी की बिना गांड मारते हुए खुद का गांड दूसरे के हाथ में दे देंगे, या फिर यहाँ पे टीम नंबर 13 की एक लौंडे को यहाँ पे फिनिश कर दिया टीम नंबर 22 के लौंडे। फोर बीट ऑफिशियल्स की टीम देखिए, यहाँ पे फोर बीट ऑफिशियल्स के जो टीम के हैं सारे के सारे वाइट मैंने कवर किए हैं। टीम नंबर 13 की एक लौंडा यहाँ पे भागता हुआ लैम्बोर्गिनी से दिखाई दे रहा है, ये लौंडा मांग कसम कौन सा बंदा है, डिप्लोमेसी का टीम नंबर बंदा, यस सैफ डी एस सैफ, क्या करेंगे खेला बच्चा है। तो फिलहाल देखना है सिचुएशन का आउट करता है क्या हालत रहता है। टीम नंबर 21 के चार लौंडे यहाँ पे बचे हैं, रुकिए नहीं दिखाई दे रहा ना आपको, अब भी दिखाई देगा। टीम नंबर जो है यहाँ पे जोन के बाहर जो बंदा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, तीन बंदे चार टीम को यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने टीममेट्स के साथ, तीन टीम को देख पा रहे हैं टीममेट्स के साथ और एक अकेले एक सोलो लौंडा टीम डिप्लोमेसी टीम नंबर 13 के लौंडे जोन के अंदर है, बट यहाँ पे टीम नंबर जो है 9 के जो लौंडे हैं वो देख पा रहे हैं जोन के बाहर हैं टीम नंबर 9 टीम स्पार्टन 300 गोवा के टीम के लौंडे यहाँ पे ये देख पा रहे हैं जो उनके बाहर है बट इनको जोन में जाना है। डार्क शैडो वाईटी यहाँ पे देखिए, डार्क शैडो वाईटी यहाँ पे एक बंदे को डाउन कर दिए हैं, टीम नंबर 21 के लौंडे, टीम नंबर 13 के लौंडे यहाँ पे फोर बीट ऑफिशियल्स की एक लौंडे को खा गया है मां कसम, ये लौंडा टीम नंबर शैडो वाईटी उनको डाउन किए थे और ये थर्ड पार्टी करता हुआ टीम नंबर 13 के लौंडे उनको खा गए। टीम नंबर 22 के लौंडे को भी खा गया ये लौंडा, टैप टैप स्प्रे देते देते मां कसम दो लौंडे को खा गए भाई। कैम में 6x लगा लिए हैं, थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होगा यहाँ पे बट देखते हैं क्या होता है। एक आया है ड्रॉप और ड्रॉप के साइड भी यहाँ पे फाइट चल रहा है, बट ड्रॉप में क्या है MG3 8x और Level 3 बैकपैक हेलमेट और वेस्ट के साथ। यहाँ पे टीम नंबर 19 की एक लौंडा लाइव है, इनका कोई भी किल नहीं हुआ है, सारे के सारे बंदे
दूसरे को गांड दे देते हुए मर चुके हैं। और देखते हैं टीम नंबर 21 अभी तक जो फाइट नहीं लिए हैं, एक बंदा सेक साबू ओके बहुत लो एचपी के साथ थे, और देखते हैं क्या होता है इनका। टीम नंबर 21 बहुत ही ज़्यादा ओपन में है, बट ओपन में क्या ये लोग सरवाइव कर पाएंगे। टीम नंबर 22 के यहाँ पे देखिए हालत ख़राब सिचुएशन हो गया है, इतना अच्छा से फाइट लेके भी यहाँ पे लास्ट पे यहाँ पे आके दो बंदे गांड दे बैठे हैं। बट यहाँ पे टीम नंबर 19 के एक लौंडे को दिखाई दे रहा है, दूसरा टीम कहाँ है, एक्स मैक्स की जो टीम थे ओके, एक्स मैक्स की एक टीम का लौंडे की गांड मर चुका है, देख पा रहे हैं वेनम, बाकी रावण लेजेंड और थॉर यहाँ पे तीन लौंडे लाइव हैं। फिलहाल देखते हैं टीम नंबर 25 क्या यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, टीम नंबर 3 क्या सरवाइव कर पाएंगे यहाँ पे। फिलहाल इनका 4 किल हो चुका है, टीम नंबर 13 के लौंडे यहाँ पे सामने हैं टीम नंबर 9 के, बट देखना है क्या टीम नंबर 9 इनको जोन में दे सकते हैं। जिस साइड बॉम्ब ग्रेनेड फेंकेंगे वो ग्रेनेड वहाँ पे कुछ काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अगर यहाँ पे एक दरवाज़ा तोड़ देते वो दरवाज़ा अगर ओपन नहीं है, माँ कसम भाई साहब, हीलिंग वगैरह किए थे क्या नहीं डिप्लोमेसी के टीम के लौंडे, मैं नहीं देखा था भाई। टीम नंबर 9 के ऊपर टपा टप देते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे मार्क 42 के लौंडे, यहाँ पे टीम नंबर 19 की फोर बीट ऑफिसर्स के टीम नंबर 19 की गांड मारते हुए दिखाई दे रहा है, और टीम नंबर 19 वो बंगाल के टीम के लौंडे थे। टीम नंबर 22 यहाँ पे टीम नंबर 22 जो है टीम नंबर 12 के लौंडे की गांड मारते हुए दिखाई दे रहा है। सैडो वाइटी यहाँ पे ओपन में लेटे हैं देख पा रहे हैं, बट टीम नंबर 21 यहाँ पे टीम नंबर 22 की गांड मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 21 फोर हंटर्स बंगाल के टीम के लौंडे बहुत ही ज़्यादा एकदम ओपन में लेटे हैं भाई, ये ओपन में कैसे लेटे रहते हो पे तुम लोग, मैं समझ में नहीं आता है। टीम नंबर 9 गोवा के टीम के लौंडे सामने हैं टीम नंबर 21 के, और टीम नंबर 25 जो है एक्स मैक्स की स्क्वाड यहाँ पे लेफ्ट साइड आप लोग देख पा रहे हैं, बट क्या यहाँ पे 9 के लौंडे के साथ जो फाइट होगा टीम नंबर 25 का वो देखना है क्या होता है गोवा के टीम के साथ। अभी फिलहाल टीम नंबर 25 का यहाँ पे फाइट हो चुका है, क्या यहाँ पे रावण यहाँ पे, अरे माँ कसम थॉर अकेला बचा है माँ कसम, देखते हैं क्रोजा था विलेन की हाथ में, ओ माई गॉड यहाँ पे बॉट यूनिकॉर्न नॉक है और पारक्स यहाँ पे नॉक है, उनको रिवाइव दिया जाएगा टीम नंबर 9 की लौंडे के द्वारा, बट यहाँ पे सामने अभी सामना करना पड़ेगा टीम नंबर 21 के सामने। अगर टीम नंबर 21 को साफ कर दें तो टीम नंबर 9 यहाँ पे विनर चिकन डिनर लेता हुआ दिखाई देगा, और टीम नंबर 21 के सामने टीम नंबर 9 है गोवा के टीम के लौंडे, अगर उनको साफ कर दे टीम नंबर 21 तो ये लोग आज विनर चिकन डिनर लेता हुआ जाएंगे। बट ये सिचुएशन जो है 4v4 का भी बन चुका है, टीम नंबर 21 की 4 लौंडे, टीम नंबर 9 का भी यहाँ पे 4 लौंडे। देखिए गाइस एक चीज़ है, जो लास्ट गेम तक लास्ट जोन तक 4 लौंडे के साथ अलाइव रहना थोड़ा सा मुश्किल है। टीम नंबर 21 के यहाँ पे एक लौंडे डाउन है देख पा रहे हैं, सैडो वाइटी बहुत ज़्यादा लो एच पी के साथ है, और टीम नंबर 9 जो है देखते हैं गोवा के टीम में भी बंगाल के टीम के सामना कर पाएंगे या फिर नहीं, देखते हैं
बहुत लो एचपी के साथ तो है टीम नंबर 21 के बंदे हैं। टीम नंबर 9 अगर ग्रेनेड बहुत तू से कर लिए तो सही रहेगा। ग्रेनेड पे ग्रेनेड आ रहा है, ग्रेनेड पे ग्रेनेड आ रहा है, देखिए जरा एक माँ कसम ये क्या चल रहा है। इट्स टीम नंबर 21 के लो में, यहाँ पे देखिए टीम नंबर 21 यहाँ पे लेट गए थे, बट विलेन यहाँ पे पीछे से आने का कोशिश कर रहे हैं और शैडो आईटी को यहाँ पर डाउन कर दिए हैं। माँ कसम केला, ओ भाई माँ कसम, गोवा की टीम आज पहली बार विनर विनर चिकन डिनर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम गजब का सिचुएशन था। टीम नंबर 21 जो था यहाँ पे 400 टीम, वो छोड़ने वाला थे नहीं, बहुत लेटने वाला बंदे थे, सांप बन के डसने वाला बंदे बहुत थे भाई। टीम नंबर 21 फोर हंटर्स, वो भी मतलब सांप से डसना, डस के बचना थोड़ा सा मुश्किल कम रहता है भाई। ओके ऑल द बेस्ट।